हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं भी आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लास के लिए आ रही हूँ। ठीक है, अब हम लोग फिर पढ़ेंगे ओ की मात्रा वाले शब्द। मैंने ओ की मात्रा वाले शब्द आपने आप लोगों ने पहले आकर इकर उकर की मात्रा वाले शब्द पढ़ लिया। अब हम लोग ओ की मात्रा वाले शब्द और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ओ की मात्रा मतलब एक है ओ ओ ओ एक है ओ। देखिए ओ इसकी मात्रा है ओ, इसकी मात्रा है ओ कर। अब देखिए ए की मात्रा वाले शब्द, इसमें मात्रा लगाने से क्या होगा? जैसे क में ओ की मात्रा लगाने से क्या हो गया? को। अब देखिए ख में ए मात्रा लगाने से क्या हो गया? हो। अब फिर दूसरा हम देखेंगे ग, ग में इसकी मात्रा लगाने से क्या हो गया? ए ओ की मात्रा लगाने से गो। और फिर देखिए घ, घ में ओ की मात्रा लगाने से घो। और फिर एक बार ध्यान से देखे क ओ कर घो, ख ओ कर घो, ग ओ कर घो, घ ओ कर घो। ठीक है, इस तरह से हम लोग और बहुत सारे स ओ कर सो, म ओ कर मो, च ओ कर चो, बहुत सारे शब्द हम लोग बना सकेंगे। अब इस देखिए, अब ए तो क्या हो गया? ओ की मात्रा वाले हो गया। अब इसमें हम लोग सब भी हम लोग बनाएंगे। अब जिस तरह देखिए ए मात्रा लगा हम लोग सब बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या ए म और ओ की मात्रा लगाए म ओ कर फिर र, क्या हो गया? मो, म ओ कर र मो। अब ए क्या ए च और फिर ओ की मात्रा लगाए च ओ कर र, क्या हो गया? चो। ठीक है, देखिए और फिर देखिए हम दूसरा क, क ओ की मात्रा को या फिर ल, क्या हो गया? होयल। अब फिर एक बार देखिए सोर, अब देखिए स, स ए क्या है? स है तलवे स, स ए ध्यान से देखना है। स तीन प्रकार के होते, एक तलवे स, एक पीकड़े स, एक दंते स, एक तलवे स। फिर ए ओ की मात्रा लगाने से क्या हो गया? स होकर शो। और ए क्या है? र सो। ठीक है, स ओ क सो र सो। अब इस तरह से फिर हम लोग दूसरा बहुत सारे सब बना सकते हैं। घोड़ा, अब देखिए देखिए घोड़ा को किस तरह से लिखेंगे? घ, घ हो कर घो, घ हो कर घो हो गया रा, अड़ा आका। ठीक है, अड़ा आका क्या हो गया? घ हो कर घो, अड़ा आकारा घोड़ा। इस तरह से अब देखिए ओ की मात्रा में हम लोग बहुत सब बना सकते हैं ना। रोहन, रोहन किस तरह से बनता है? पहले हम लोग एक अक्षर का हम लोग पढ़ेंगे। रोहन, रो र ओ कर क्या हो गया? रो। ठीक है, र ओ कर रो, र ओ कर रो। फिर हन, हन क्या में आता? ह न, हन हो गया ना। फिर ह लिखेंगे ह, उसके बाद में न, क्या हो गया? र ओ कर रो ह न, रोहन। अब समझ में आ गया। अब फिर हम लोग एक शब्द फिर और बनाएंगे, छोटा, छोटा ये भी ओ की मात्रा वाले शब्द है। अब छोटा में छ ओ कर छो हो गया ना, छ ओ कर छो, ये क्या है? छ ओ कर छो। ठीक है, फिर टा, अब देखिए टा आ की मात्रा तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके थे। टा त आकार टा, त आकार टा, त आकार टा, क्या हो गया? छोटा। त आकार टा छोटा। ठीक है, अब बहुत सारे हम सब बना सकते हैं। और एक बनाएंगे मोटा, एक क्या है? मोटा में म होकर मो, म होकर मो, ट आकार टा, क्या हो गया? मोटा, म होकर मो,
इस तरह से। और हम लोग एक बार फिर ध्यान से पढ़े, ओ की मात्रा बोले मोर मोर, च ओकर चोरा चोर, क ओकर कोयला कोयल, छ ओकर सोरा सोर, घ ओकर अड़ा अकर घोड़ा, र ओकर रो न, क्या न है दंतेना रोहन रोहन, छ ओकर छो त अकर ता छोटा, म ओकर मोर त अकर ता मोटा मोटा। ए हो गया ओ की मात्रा वाले स, ठीक है। और इस तरह से हम लोग बहुत सारे शब्द बना सकते हैं ओ की मात्रा वाले स, जैसे सोहन हो गया, दोपहर हो गया, खरगोश हो गया, मोटर, सोहन मोहन, सोमवार, घोर चोर, ठीक है। ए ओ की मात्रा वाले शब्द हो गया कोर चोटी। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, शब्द बनाना है, फिल इन द ब्लैंक्स, किस तरह से हम लोग ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। ए देखिए, ए देखिए ओ की मात्रा वाले शब्द को आप लोग को ए भरना है, इसको भरना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ओ की मात्रा वाले शब्द बनाना है आपको, जैसे च हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है खाली जगह भरना है ओ की मात्रा शब्द लगाकर, ठीक है, खाली जगह पर। यहाँ पर क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके बाद में र है। अब देखिए च ब्लैंक र है और ये ओ की मात्रा आपको लगाना है, यहाँ पर क्या रहेगा चोर होगा ना, फिर यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सिर्फ इस तरह से ओ की मात्रा लगाना है, बीच में इस तरह से बीच में क्रॉस नहीं करना है, जब यहाँ लाइन खींचा हुआ है उसके ऊपर आपको लिखना है, यहाँ पर बीच में इस तरह नहीं लिखना है, क्योंकि कोई लोग यहाँ पर इस तरह से गलत लिखते हैं, इस तरह से हम लोग को लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए म ब्लैंक सी र, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, ए ओ की मात्रा भरना है, ठीक है, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। म ओ कर मोर, सिर्फ ए लगाना है आपको मोर, इस तरह से आप लोग जब मैं एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स दे दूंगी ओ की मात्रा वाले सब तो आप लोग लिख सकेंगे ना। अब देखिए फिर इधर देखिए स, ये क्या है स, और ये क्या है र है, इसके बाद में यहाँ पर ब्लैंक्स है, ठीक है, यहाँ पर डैश है, और क्या लिखा है ए ओ की मात्रा, ये क्या हो गया सो। अब समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर और दूसरा देखिए ग, फिर डैश, फिर भ, फिर बढ़ाई का, एक क्या लिखते फिर ए ओ की मात्रा लिखना है आपको, ओ की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर इस तरह से आपको गोभी, क्या हो गया गोभी। उसके बाद में देखिए फिर यहाँ पर द है, फिर ब है बढ़ेगा, फिर यहाँ पर ओ की मात्रा, यहाँ पर ब्लैंक्स है, यहाँ पर ओ की मात्रा लिखना है धोबी, क्या होगा धोबी। अब आप लोग ध्यान से देखिए जो यहाँ पर जो डैश है ना, इस डैश में ओ की मात्रा लगाया है, इसमें एक शब्द बन गया च ओ कर चो, म ओ कर मोर मोर, श ओ कर सोर सोर, ग अकर गो, बड़ेगी धोबी, द कर दो, बड़ेगी धोबी, इस तरह से बहुत सारे हम लोग सब बना सकते हैं। आप लोगों को मैं कॉपी पे बिना देख कर लिखने दूंगी, अच्छी तरह से आप लोग लिखे। अब देखिए मैं आप लोगों को फिर वर्णों को जोड़कर सब बनाने सिखाएंगे ओ की मात्रा वाले, ठीक है। इसको फिर देखिए ध्यान से, वर्णों को जोड़कर सब बनाना। अब देखिए नेक्स्ट वर्णों को जोड़कर सब बनाइए, वर्णों को जोड़कर सब बनाइए। अब देखिए इधर एक जो वर्ण है ना उसको, एक क्या है ग,
फिर ए प्लस, फिर ओ की मात्रा है पी प्लस, फिर ब है पी प्लस है, फिर ई की मात्रा है। अब इसको इसको जोड़ कर, इसको जोड़ कर मैं इसको एक साथ लिखना है, इसको क्या करना है एक साथ लिखना है। किस तरह से हम लोग को लिखना है यहाँ पर एक साथ, इधर देखिए एक क्या ए ग, ए ग यहाँ पर लिखे, और फिर ए ए नहीं लिखना है, ठीक है, ए जो प्लस है इसको नहीं लिखना है, ओ ए ओ यहाँ पर लिखिए, और ए ब यहाँ पर लिखिए, और ए ई की मात्रा यहाँ पर लिखिए। अब ये क्या हो गया, और इस तरह से फिर इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, और इस तरह से रेखा कीजिए। ये क्या हो गया, फिर ये अलग अलग है वर्ण और एक साथ बन गया ना, यही है सब गोभी हो गया। इस तरह से आप, मैं फिर आप एक बार, आपको एक बार केवल आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, फिर बाद में यदि एग्जाम में आ गए तो आप लोग बहुत सारे सब बना सकते हैं। अब देखिए इधर ध ओ की मात्रा, फिर ब, फिर ई की मात्रा। अब देखिए इसको फिर एक साथ बनाइए, ध फिर ओ की मात्रा, फिर ब, फिर ई की मात्रा, धोबी। इस तरह से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं ना आप लोगों को। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया ना, आज के लिए इतना ही। आपको ध्यान से वीडियो देखिए, और मैं वाक दे दूंगी, उसको आपको अपने से करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।